मुझे तुम दोनों का काम बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस शहर पर एक दिन हम दोनों राज करेंगे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर अगर इस बारे में हमारे भाई को पता चला तो पता नहीं वो मानेंगे या नहीं, इसलिए हम दोनों इस शहर को छोड़कर भाग चलते हैं। तुम्हें सागर को अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा, सही टाइम देखकर उसे खत्म कर देना। हेलो नेहा, सागर फोन नहीं उठा रहा है, तुम्हें कुछ पता है क्या? हाँ, 4 बजे तक तो मेरे साथ ही था, लेकिन उसके पास एक कॉल आया और वो चला गया। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बात होती है तो मुझे बताना। सर, आपका नाम सागर है? नहीं सागर नहीं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। क्या बात है? सागर के नाम का एक पार्सल है। सागर तो नहीं है, क्या आप ये मुझे दे सकते हो? जैसे ही सागर आएगा मैं उसे बता दूंगा। ठीक है सर, लेकिन उनके मेल पर एक OTP आएगा, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, उसका और मेरा ईमेल एक ही है। अरे बाप, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप मुझे OTP बताइए। 4314। सागर, हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश की गई है
और अब तुझे मेरी मौत का बदला लेना है। जब तक तू मेरी मौत का बदला नहीं ले लेता तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हेलो रश्मि, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? क्या हुआ देव, सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रहे हो। हाँ, वो भाई का कल से कुछ पता नहीं है और वो फोन भी नहीं उठा रहा है, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी आती हूँ। अरे रो क्यों रहे हो, और सागर कहाँ है? मार डाला। देव, ये क्या मजाक है? प्लीज टेल मी, और मजाक करना बंद करो। मजाक? मजाक तो तुम सबने किया है हमारे साथ। हमने? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो? अच्छा, मुझे नहीं लगता था कि मेरी बहन ऐसा कुछ कर सकती है, इतना नीचे गिर सकती है। देख, पर मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं खुद हैरान हूँ कि भैया और मेरी बहन ने उस आदमी को मारा जिस आदमी ने उनकी छोटी बहन को बचाया था। मैं कैसे मान लूं और क्यों मानूं? कोई तो वजह होगी। अगर मैं मर जाऊंगी तो फिर विश्वास होगा ना? तुम मुझे सागर का कातिल मानते हो? तुम मुझे मारो ना, उससे पहले मैं खुद की जान ले लेती हूँ। मैंने गोली पहले ही निकाल दी थी क्योंकि मेरे अंदर अभी भी बहुत गुस्सा है। मेरे भाई सागर को मार दिया, अगर इसमें गोली होती तो मैं तुम्हें देखते ही मार देता, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा था। फिर मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ बुलाकर इन सारी बातों का पता लगाऊं, लेकिन तुम खुद इन सारी बातों से अनजान हो। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ बैठा था। अब तुम क्या चाहते हो? मुझे बदला लेना है अपने भाई के कातलों से, और मुझे इसके लिए तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भाई अपने सागर को तो मार दिया पर देव को नहीं मारा। अगर यह बात देव को पता चली कि हमने उसके भाई सागर को मारा है तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। तुझे मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ? सॉरी भाई, मैं जानता हूँ कि उससे ही बड़ा खतरा है। तो उसको भी मरवा देते हैं। रश्मि, इधर आओ। जी भैया बोलिए। तुम्हें एक काम करना है। कैसा काम? तुम्हें देव को इस जगह पर अकेले बुलाना है। क्यों भैया? बस काम खत्म करना है, बहुत टेंशन है मुझे। कैसा काम? जैसे ही सागर को मैंने मारा है वैसे ही देव को मार दूंगा। क्या भैया, सागर को आपने मारा? मारा तो मैंने है उसे। वो दोनों बहुत तेज चल रहे थे, राज करेंगे इधर, सिर्फ हम राज करेंगे। इसे नेहा के साथ मैंने मिलकर उन्हें मार दिया। अब मैं ये चाहता हूँ जैसा मैंने सागर के साथ किया वैसा ही तुम देव के साथ करो। हेलो। हाँ भैया, वो मैंने ना देव को ना अपने पुराने वाले प्लांट पे बुला लिया है, आप जल्दी आ जाइए और जानदार लोगों को मत लेके आना। Killer and feared the most.
एक काम क्या दे दिया, अपने आप को शहंशाही समझने लगे। तुम दो कौड़ी के इंसान मेरी बहनों से शादी करना चाहते थे। इसे देखो, यह है मेरा होने वाला दामाद नेहा का मंगेतर, यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन विक्रम। जिस तरह तेरे सागर भाई को मारा था ना, उससे भयानक मौत तुझे दूंगा। नेहा अच्छा, तो अगले संडे फिर घुमाने ले चलूंगा, ठीक है, बाय। आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दबा के शेयर करो भाई, जितना हो सके ना उतना शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा भाई, बहुत हद से जो ज्यादा होती है ना उससे भी ज्यादा मेहनत लगी है, तो जाके शेयर करो। और भाई अगर अभी तक आपने पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ ही साथ मैं अभी आई बटन में भी दे दूंगा, वहां पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट वन देख सकते हैं। बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है, कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा थक गया हूँ सूट पे, ठीक है। तो पार्ट टू देख लिया है, पार्ट वन देखिए, और इसने पार्ट वन देखा है वो पार्ट टू देखिए, ठीक है। और पार्ट वन देख के पार्ट टू पे आओगे ना तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इस वीडियो में ना बहुत ज्यादा सस्पेंस और थ्रिलर ड्रामा हर चीज में दिया गया है। तो जाओ यार, दबा के लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बहुत जल्दी एक नया वीडियो आने वाला है, तो ऐसे ही बने रहो। जब तक के लिए बाय बाय।